ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, चार पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना तो ये गलत है। कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी अगर लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। एनडीए का हिस्सा है वीआईपी पार्टी और उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी आजकल नाराज चल रहे हैं एनडीए से। उन्होंने इतना तक कह दिया कि एनडीए के लोग हमसे इस्तीफा ले लें या तो फिर एनडीए की बैठक बुला लें, हमें कुछ बातें करनी है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर किस बात पर नाराजगी है तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखा जा सकता है, जिसको विधायकों के सामने नहीं बात किया जा सकता है, हम उसे सार्वजनिक बात करेंगे और हमें एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व से बात करना है, इसीलिए हमने कहा कि एनडीए की एक बैठक बुलाइए। और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए। ये में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, मजबूती से एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपकी नाराजगी जो पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं, बयानबाजियां भी हो रही हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि खुश हैं आप और लगता है कि एनडीए बिखर जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जब से हमने अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़ाने का मांग हमने किया है, तब से कुछ पॉलिटिकल पार्टी में कुछ नेता में कुछ समस्या बढ़ गया है। तो उसी चीज़ को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एनडीए के घटक दल होने के नाते, एक सहयोगी दल होने के नाते हमारी भी कुछ मांग है और बिहार के जनता का हित का बात है, अति पिछड़ा समाज का हित की बात है, उसमें आरक्षण बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हमने कल बात रखा और बहुत ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। हम अपनी बात को रखें कि शीघ्र ही एक एनडीए का बैठक रखे। आपको बहुत सारा ऐसा बात है जो हम सब विधायक के सामने बात नहीं रख सकते। कुछ बात ऐसा होता है कि जो लीडर्स वाला बात तो लीडरशिप ही जगह पे हो सकता है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे होगा, सब जब प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं। तो भी हमने संक्षेप में अपनी बात को रखा और एक शीघ्र ही हमने एनडीए का बैठक हमने बुलाया। इस बात को मानते हैं कि पिछड़ा समाज को आप जो आरक्षण की बात है, जो 15% आरक्षण पे ये कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए एनडीए में, वो कौन लोग है आपके साथ? कुछ लोग हैं बट उसका नाम बताना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, टॉप लीडरशिप बोलेंगे तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जो बोले उनको हम बहुत ज्यादा ध्यान में भी नहीं ले पाते। क्या वो लोग जेडीयू बीजेपी से हैं? अब हमने कहा ना, कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जिनको हजम नहीं हो रहा कि अति पिछड़ा को 15% आरक्षण बढ़े और उसको लेके देख रहे हैं कि बहुत इंटरनल इशू बना रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेके। तो उसके लेके हमने एक मांग रखा है कि जल्द से जल्द एनडीए का बैठक हो और एक एनडीए घटक दल होने के नाते हमारा भी सरकार में हिस्सा है। ये एक पार्टी के सहयोग से सरकार नहीं बना है, चार पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। कोई अगर ये जी रहे हैं कि हम एक पार्टी के दम पे सरकार बना तो ये गलत है। तो इसको लेकर हमने मजबूती से बात को रखा और हमारा पार्टी का मांग है कि 18% जो आरक्षण है उसमें 15% बढ़ोतरी करके 33% पिछड़ों को सम्मान मिले, पिछड़ों को आरक्षण मिले, इस बात को जब आप चाहते हैं तो ये जान रहे हैं कि हाँ कुछ लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। हाँ तो ठीक है, उनको हो जाए, लेकिन हमारी पार्टी का विचारधारा, हमारी विचारधारा है गरीब लोगों को सम्मान देना। वो हमारी विचारधारा किसी और पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, हमारी विचारधारा जो है हमारी पार्टी के हिसाब से चलता है। तो हमारी जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे और जीतेंगे और दिलाएंगे। आखिरी सवाल ये है, कुछ लोग ये आपके पीठ पीछे या कह सके तो खिल्ली उड़ाते हैं इस बात को लेकर कि मुकेश सहनी के विधायक उनके साथ नहीं है, ये तमाम चर्चाएं होती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो सब चीज़ें जो उसको जो बोलना है, यही तो बात है ना कि लोग बोलते हैं तो बोलते रहे। और विधायक जो होते हैं ना, पार्टी बनाता है, पार्टी को विधायक नहीं बनाते हैं। तो पार्टी आज 4 है, कल 40 बनाने का निर्णय ले चुका है और 2025 का विधानसभा जो चुनाव होगा उसके बाद देखिएगा 40 विधायक होंगे। जी हाँ, मैं अभी बलिया में कार्यक्रम है, आजमगढ़ में कार्यक्रम है, रोज 2-3 कार्यक्रम सभा लग रहा है और अभी लगातार हमारा 5 तारीख तक शेड्यूल बना हुआ है और 5 तारीख तक मैं लगातार उत्तर प्रदेश के दौरा पे ही रहूंगा। एकदम अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही अच्छा पार्टी वहाँ पे डेवलप कर रही है और बहुत सारे हर जाति धर्म के लोगों को पार्टी पे विश्वास हो रहा है और सब लोग जुड़ भी रहे हैं। और 10 तारीख को इसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि एक चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा कि वीआईपी पार्टी के कितने विधायक जीत के आते हैं और कितने समर्थन प्राप्त होता, कितना वोट बैंक होता, वो 10 तारीख को आपको बिहार इलेक्शन की 5 तारीख के बाद आएंगे। बिहार में अभी आप नहीं, सरकार में हम तो है ना, सरकार हमारी है। और हमने बोला कि किसी को आपत्ति है तो बोलिए, हम सरकार से बाहर निकल के अब रोड पे आके लड़ाई लड़ेंगे। यूपी अगर लगता है कि सरकार में रह के ये बात हम नहीं कह सकते हैं तो फिर हम रोड पे आके बात करेंगे। यूपी में अगर बीजेपी या समाजवादी को बहुमत नहीं मिले तो आप जा सकते हैं किसी के साथ?
अगर किंग मेकर बनेगा उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी, वहां के नेता डिसीजन लेंगे। तो सुना आपने, मुकेश सहनी ने साफ कहा कि हमें एनडीए की एक बैठक बुलानी है और उस बैठक में बहुत सारे बात करने हैं बिहार के हित में, बिहार के अति पिछड़ा समाज के हित में मुझे बहुत सारी बातें करनी है, जो कि गठबंधन बनते समय ये कहा गया था कि बिल्कुल आपका जो समाज है उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और जो बिहार में एनडीए की सरकार है वो किसी एक पार्टी के समर्थन से नहीं बनी है, बिहार में चार पार्टियों का समर्थन है तब जाके सरकार बनी है। अगर सरकार को बचाना है तो एनडीए की बैठक बुलानी पड़ेगी। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद क्या एनडीए की बैठक बुलाई जाती है या फिर मुकेश सहनी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।